सबसे पहले हमारे कॉन्फिडेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वही पुराना हाल, अभी अभी मिली है स्क्रिप्ट, फिर भी आए हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस किसी में नहीं, जोरदार तालियां। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बुढ़िया जो थी ये पिछले एपिसोड में मर चुकी थी, अब स्टेज के ऊपर आ गई हैं। अरे कम ऑन यार, क्या लॉजिक में जाते हो? दिस दिवाली नो लॉजिक ओनली मैजिक। ये क्या किया तूने? इस फटाके ने फटाकों की दुकान खोल दी यार। अपनी बहन के साथ कंपटीशन करेगी तू? अरे आस्तीन का अजगर निकली तू। आस्तीन का सांप होता है, दुनिया जानती है कि तू अजगर ही है, समझी? देखिए रिश्तेदारी अपनी जगह होती है, धंधा अपनी जगह होते हैं। हाँ अच्छा, अरे कब तक मैं आपके टुकड़ों पर पली रहूंगी? याद है पिछले साल मैंने आपसे दिवाली में चक्री मांगी थी, तो गोल गोल घुमा दिया था आपने मुझे। लड़ी भी तो गिफ्ट की थी तुझे मैंने। गिफ्ट? हाँ? कौन जलती हुई लड़ी अपने बालों में लगा देते हैं, बताओ मुझे। सारा बाल जल गया था मेरा। देखिए धंधे का टाइम है, मुझे धंधा करने दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, धंधा करेंगे। जोरदार तालियां हमारी दुकान के लिए। तबू जी, हमारी दुकान में बहुत सारा सामान मिलता है, गिफ्ट भी आपको कमाल के मिलेंगे। देखिए सोने के सिक्के, और इसकी खासियत यह है कि पता भी नहीं चलता कि ये नकली है। हर्षद जी, जी मेरे दुकान से आप सामान खरीदिए, मैं आपको हीरो का हार फ्री में दूंगी। अरे तू क्या बेचेगी सामान, मैं बेचती हूँ। परिणीति जी आप प्लीज आइए, परिणीति आइए, आइए मेरी दुकान में आइए। आपको तो प्रमोशन की वजह से शॉपिंग करने का मौका भी नहीं मिलता होगा ना। परिणीति जी प्लीज मेरी दुकान में आइए, अगर आप मेरी दुकान से फटाका खरीदोगी तो माचिस फ्री। वाओ, अच्छा ठीक है मैं चेक करती हूँ। कहे चेक करती, आप इधर आइए, आप मेरी दुकान से माचिस खरीदेंगी पटाखे फ्री, आइए आप। अच्छा मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती। अरे वहाँ कहाँ जा रही है? अगर आप मेरी दुकान से माचिस खरीदेंगी दुकान फ्री। अच्छा मैं वहाँ जाती हूँ। तो आप एक काम करिए, आप रुकिए, मैं ही इसकी दुकान खरीदती हूँ। दे। आप देखिए दीदी पोनी का टाइम है, प्लीज आप जाइए यहाँ से। परिणीति जी आप मेरे यहाँ से फटाके खरीद लीजिए, सच में मल्टी टैलेंटेड फटाके, इसको आप फोड़ भी सकती है, मेहमानों को खिला भी सकती है, बच जाए तो इससे आप बर्तन भी मान सकती है। ओ वाओ, मैं यहीं से खरीदूंगी। लेकिन ये कैसा फटाका हुआ? ये श्रेयस तलपड़े फटाका है, कुछ भी कर सकता है, बस पैसे दे दो। अरे आप इन पटाखों के चक्कर में मत पड़िए, ये लीजिए अनार, इसको फोड़ने की जरूरत ही नहीं है, खाओ पियो एंजॉय करो यार लाइफ में। नो पॉल्यूशन इन दिवाली, गो टू थिएटर एंड वॉच गोलमाल, नो पॉल्यूशन। ये लीजिए परिणीति जी, आप मेरे यहाँ से अजय देवगन बम ले लीजिए। अरे ये मुझे ये चाहिए। बड़ा सिंपल सा है, इसको आप हाथ में लीजिए और आप दो बार बोलिए ये अनार है, अनार है, खुद ब खुद फट जाएगा। कैसे कैसे खुद ब खुद फट जाएगा? इसको झूठ बर्दाश्त नहीं है। आप यहाँ आइए, ये देखिए सूरज पंचोली रॉकेट। ये बहुत कमाल का रॉकेट है, लेकिन इसके साथ ये सलमान खान बॉटल आपको खरीदनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक ये रॉकेट इस बॉटल में नहीं डालो ये लॉन्च नहीं होगा। ये लीजिए बिना बॉटल सलमान खान रॉकेट। हाँ इसकी खूबी ये है कि ये पहले फुलझड़ी की तरह जलेगा, चक्री की तरह गोल गोल घूमेगा, फिर अपने आप बम की तरह फट जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्योंकि ये दिल में आता है, समझ में नहीं आता। आप ये लीजिए, ये अक्षय कुमार बम, ये माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ये शाम को 8 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले बिल्कुल काम नहीं करता। और 5:15 बजे ऐसा फटता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। हाँ, वो छोड़िए, ये लीजिए तुषार कपूर रॉकेट। ओ, ये कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, साइलेंट रॉकेट है। ये लीजिए, ये लीजिए परिणीति बम। ये क्या करता है? एक मिनट, इस पे कोई जोक नहीं है, ये अपने आप में बम है, परिणीति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यार परिणीति में एक बात समझ नहीं आ रही, इतनी खूबसूरत है, अभी शादी कर लीजिए आप। मैं लड़का ढूंढ रही हूँ। लड़का तो हमने भी देख रखा है। कहाँ? इधर है, इधर लड़का, इधर आ। अरे दोनों ही है, ये मेरी तरफ से ये है, ये मेरी तरफ से ये है। मेरा शेर, पूरी दुनिया ढूंढ लोगी ना, ऐसा शेर लड़का नहीं मिलेगा। अरे छोड़, यहाँ से दाढ़ी सब खाली है, इसकी पूरी है देख, एकदम बढ़िया बनाई हुई। दाढ़ी का ख्याल नहीं है इसका, ये लड़का सही है। डांस कर सकता है इसकी तरह? डांस कर सकता है, कर सकता है। परिणीति
सच्ची बता बेटी। अच्छा ये ऐसे नहीं मानेंगी। अच्छा एक काम करते हैं, एक एक गाना भी गवा के देखते हैं। अरे तो मेरे बच्चे के तो गले में सरस्वती है बेटा, गा के बता। तेरी आवाज कोई कम है क्या? इससे ज्यादा खराब है बता तू। अब ये गाना गाएगा। मैंने कहा कोई तो थोड़ी तमीज रखे यार, तहजीब रखे, वरना जेंटलमैन तो आउट ऑफ फैशन ही होते जा रहे हैं आजकल। वेरी गुड वेरी गुड। शायरी उससे डेफिनेटली मान जाएंगे। अच्छा गुलाब की शीशी पत्थर से तोड़ दूं, गुलाब की शीशी पत्थर से तोड़ दूं, जो मेरे और परी के बीच में है उसके कच्चे में नींबू नहीं छोड़ दूं। Beat that. Okay, let me try that. Yeah, please beat that. कि वो ऊपर वाला हर किसी में तकदीर बराबर बांटता है, वो ऊपर वाला हर किसी में तकदीर बराबर बांटता है, और उस धंजानी में क्या रखा है, ये तो अपनी नाक के बाल भी 3 महीने में एक बार काटता है। यार कितने ग्रॉस शायर हैं यार ये लोग। अच्छा दीदी। अच्छा बच्चा कुछ नहीं, मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। क्या दीदी? अब मेरे जाने का टाइम है दीदी। मैं नहीं चलेगा दीदी। एंड परी थैंक यू वेरी वेरी मच, एक बार जोरदार ताली फॉर परी दीदी एज़ वेल एवरीवन। ऋत्विक मैंने स्टेज पे किया तेरे साथ एक्ट सॉन्ग एंड डांस, मगर तू तो निकला न्यू सेंस। वक्त आ गया बेटा तेरे अंदर से ये एंकरिंग का भूत निकालने का। मैं एक बाबा को जानता हूँ, एक हमारे बाबा है जो भूत और आत्माएं निकालते हैं। प्लीज उन बाबा के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनका नाम है फटाहट छटपट। अरे फिर आ गया। आज ऑडियंस कितनी प्यारी है, मैंने बड़ी बड़ी ऑडियंस देखी है लेकिन इतनी अच्छी ऑडियंस पहली बार देखी है, और ये बात मैं हर जगह कहता हूँ। अरे परिणीति कितनी फिट लग रही है मेरी वजह से। 2 साल पहले मेरे पास आई थी, कहती बाबा मैं फिट होना चाहती हूँ लेकिन पिज्जा नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसी वक्त मैंने इसका पर्स उठाया, भाग गया, मेरे पीछे इतना तेज भागी, आज देखो कितनी फिट है। अरे वाह मुकेश कैसे हो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ दिल से, मैंने आपकी फिल्म देखी थी चाइना गेट जी। क्या काम किया, इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हो? बस बाबा मेहनत की थी, काफी दिन नहाया नहीं था, 40-50 दिन। ऐसा कुछ नहीं होता, एक्टिंग ही काम आती है। ऑडियंस में से कोई भी सवाल करना चाहे। बाबा जी। हाँ बोलो बेटा। पर्स लेके भाग रहे थे आप, पतले क्यों नहीं हुए? अबे ढक्कन में स्कूटर पे था, बैठ जा। कोई और है? बाबा मेरा एक सवाल है। पूछो। मुझे परिणीति से शादी करना है। कोई बात नहीं, छोटा सा सलूशन है मेरे पास, ये लो। ये क्या है बाबा? बेटा जहर है, खा लो। और कोई है? पूछो। बाबा जी गोलमाल अगेन कितना पैसा कमाएगी? बेटे वो तो जितना कमाएगी कमाएगी, तेरी शक्ल से ये सवाल सूट ही नहीं करता। अपने हिसाब से पूछो, ये पूछो बड़ा पाव सस्ता कब होगा, सेकंड हैंड कच्चे कहाँ से मिलेंगे, ये पूछो, बैठ जाओ। और कोई है? हाँ पूछो। बाबा जी हाँ? मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं अर्शद जी से बहुत 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 प्यार करती हूँ। अर्शद जी से आप प्यार करती हैं क्यों? क्योंकि बाबा जी दिल का हाल आप जानते हैं, दिल तो बच्चा है। हाय हाय। मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा, मैं कौन होता हूँ करने वाला। अर्शद जी आ जाइए प्लीज, एक बार इनके साथ मिल लीजिए। जी बिल्कुल। अर्शद जी जी ये आपको बड़ा प्यार करती, मैं कहता हूँ एक बार सच्चे दिल से ऐसे कर लो बस। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा जादू दिखाता हूँ, बाबा बड़े चमत्कारी हैं, बाबा आंखें बंद करके जाएंगे। ऑलराइट एवरीबॉडी एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीवन।
चलिए अब ये हमारा जो यहाँ का धमाका है दिवाली का ये खत्म करने से पहले एक आखिरी चैलेंज। लेकिन बताने से पहले हम चाहते हैं कि गोलमाल की ये पूरी टीम यहाँ हमारे साथ स्टेज पर आ जाए। आज गोलमाल टीम को दिया जाएगा एक दिवाली चैलेंज। एक तरफ है टीम रवि यानी कि मेरी टीम जिसमें है अर्शद वारसी, तबू और तुषार कपूर, जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ है टीम ऋत्विक जिसमें है श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू एंड परिणीति चोपड़ा। कौन कौन है? हम दोनों और अर्शद। दोनों टीम्स के ऊपर एक भारी भरकम जिम्मेदारी, एक टास्क खत्म करने की। जिस टीम ने भी टास्क किया सबसे पहले खत्म वो बन जाएगी विनर। टास्क है तैयारी दिवाली की। आपके पीछे कुछ सामान रखा हुआ है। टीम के किसी भी मेंबर को सबसे पहले रंगोली बनाए, उसके बाद लड्डू बनाने हाथ से और आपको ट्रे भरनी है। तीसरा काम आपको ये करना है कि अपनी अपनी टीम की जो हमारी प्यारी सी जो आई कैंडीज है उनको कोई भी टीम का एक मेंबर साड़ी पहनाए। साड़ी के बाद एक गजरा पहनेंगे। जब आप पूरी तरह से दिवाली के तैयार हो जाएंगे तो वो जो मिठाई का डब्बा है टीम के किसी एक मेंबर को भाग के जाना है और दादा को देना। और जिसने वो डब्बा दादा को पहले दे दिया और दादा ने डब्बे खोल के लड्डू खा लिए वो टीम जीत। और जीते तो 500 करोड़ नहीं, जीते तो आपको मिलेगा एक 55 इंच का LED टीवी, उसका रिमोट, उसके अंदर की दो बैटरीज में से सिर्फ एक बैटरी। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि रोहित सर और मुकेश जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो मुकेश जी आप बनेंगे बीच के बिच्छू। जिस टीम को भी आपकी जरूरत होगी और जब भी जरूरत होगी आप उस टीम के साथ हो लेंगे। और माई डियर रोहित शेट्टी सर बनेंगे हर गेम की तरह इस गेम के भी जज। जोरदार तालियां। सर्कल 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 वन लाइन हर सेकंड सर्कल आई मेड सेकंड इट्स फाइन। अबे ए डन 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 वो बीच का सर्कल डन रंगोली डन डन के साथ रंगोली डन रंगोली डन लड्डू 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 ओ लड्डू लड्डू जल्दी बनाओ। अबे लड्डू बना जल्दी 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 कमांड। अबे ये क्या बना रहे? अरे लड्डू बना रहे हो। लड्डू ओनली वन रो ओनली वन ओनली वन लाइन ना ओनली वन लाइन ओनली वन या डन 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 सेकंड डन 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 सारे लड़की हलवा रे डन 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 कितने अरे साइड 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 कौन सा अबे अबे उधर उधर अबे उधर रंगोली करा बोल उधर प्लेट पर प्लेट पर प्लेट पर ठीक है बकवास रंगोली। लुक एट आवर रंगोली इज प्रॉपर। ये रंगोली है ये युगांडा का मैप है ये है रंगोली। अरे क्या खा गया है क्या कर रहे हो? अरे दादा क्या कर रहे हो? साड़ी रा साड़ी इज करेक्ट है साड़ी इज रॉन्ग। दादा क्या साड़ी करेक्ट है और उन्होंने मिठाई पे भी उन्होंने अर्शद ने कभी अपनी वाइफ को साड़ी नहीं पहनाई इससे ये प्रूव हो चुका है। एक सेकंड चाय का डब्बा भी देखे हमारा एक लाइन कंप्लीट है इनका तीन लाइन आधे आधे है। और सब हाँ। एक भाई ये लड्डू सही है और ये लड्डू में लड है उड नहीं। ये साड़ी ए नॉर्मल आई लुकिंग लाइक आई डोंट नो सी दिस इज मॉडर्न आर्ट। पहन रही है उतार रही है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये साड़ी की बेस्ट चीज है कि ये उल्टी है। रोहित सर रिजल्ट्स क्या है कौन जीता? रिजल्ट्स ये हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से अच्छा हो फिल्म कंप्लीट हो गई है सारे पागल हो चुके हैं। ये देखो एनीथिंग इज हैपनिंग। इसको मैं डिसोन करता हूँ ये क्या है सर? ये क्लाइमैक्स सीन का कॉस्ट्यूम आपको याद नहीं है? किसकी पिक्चर का बोल मैं ये मेरे को लगता है आज ये घर भी ऐसे है मैं तो जीत गई थी साड़ी में मैं जीती थी मैं बट हु वन दिस गैंग ये ईमानदारी से लोग कर रहे हैं। Yes! And we have to पूरे तहे दिल से thank you very much to the whole team. आप लोग यहाँ पर आए हमारे साथ दिवाली की celebrations मनाएं and everybody जो हम लोगों को इस वक्त घर पे देख रहे हैं प्लीज इस दिवाली पटाखे मत फोड़ो जाओ अपनी फैमिलीज के साथ जाकर देखो गोलमाल अगेन। दादा प्लीज आप भी आ जाए स्टेज पर एक बार जोरदार तालियां। Come on everyone.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.